ओम शांति। आज ही बाबा ने कहा कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही परोपकार और विश्व कल्याण की सेवा है। तो बाबा ने जो अव्यक्त मास दिया है ये इसीलिए दिया है कि अपने को संपन्न बनाकर दूसरे को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। स्वयं संपन्न बनेंगे तो प्रकृति भी जल्दी जल्दी सत्व प्रदान हो जाएगी और हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति हो, रहम का भाव हो, दया भाव और क्षमा भाव होना चाहिए, क्योंकि अब समय है दूसरों को देने का। ये ना सोचें कि कोई मुझे क्या देता है, बस मुझे देना है। प्रकृति हो, व्यक्ति हो, सबके को एनर्जी देना और सबसे हमें एनर्जी लेनी है, तो जैसा हम देंगे वैसा ही मुझे मिलेगा। ये कहावत है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जो बोएंगे सो काटेंगे। तो हमने देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या हमारी दृष्टि है और क्या हमारी वृत्ति है। उसी से ही सब कुछ परिवर्तन होना है। वृत्ति से ही वातावरण शुद्ध होगा और सत्व प्रदान नया दुनिया आने ही वाली है। ओम शांति।